आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को संचारी दस्तक अभियान का प्रदेश में करेंगे शुभारंभ। दोपहर में देवरिया के लिए होंगे रवाना। वृहद ऋण मेला के अंतर्गत 1,90,000 हस्तशिल्पियों कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का ऋण वितरण और वार्षिक ऋण योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। 5 जिलों के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद, कहा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 3% कम हुई महंगाई, लोगों को मिल रहा है रोजगार। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का कराया दर्शन। मुख्य न्यायाधीश को अंगवस्त्र एवं टेराकोटा की गणेश जी की मूर्ति स्मृति चिन्ह स्वरूप किया प्रदान। शहर में जल भराव बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक में दी हिदायत। बोले जनमानस को नहीं होनी चाहिए कोई समस्या, सब मिलकर बरतें सतर्कता। बची खुची बीमारी छू मंतर करने की तैयारी में है योगी सरकार। गोरखपुर जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 2 साल से किसी भी मरीज की मौत नहीं, एएस से होने वाली मौतें भी इकाई में सिमटी। शुक्रवार को संचारी रोग दस्तक अभियान का प्रदेश में सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने दी जानकारी। हत्या में वांछित 25,000 के इनामी को चिलुआताल पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक, शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थल को बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। चिउटहा में स्थित न्यारा पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में 2 अभियुक्तों को चिलुआताल पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने कहा बाकी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है दबिश, जल्द होगी गिरफ्तारी। छह चौराहों को गोद लेकर कैमरा लगवाने वाले एस्प्रा के संचालक अतुल सर्राफ को एडीजी जोन अखिल कुमार ने बैंड बाजा व माल्यार्पण कर किया सम्मानित, कहा चौराहों पर कैमरा लगने से शहर होगा सुरक्षित, अपराध और अपराधियों पर लगेगा लगाम। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा पोषित साहित्यर्चन हिंदी विभाग एवं गोरखनाथ साहित्य केंद्र दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। विभिन्न महाविद्यालयों के विद्वानों ने किया प्रतिभाग, रखे अपने अपने विचार। और क्षेत्र सेवा योजना कार्यालय पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 4 कंपनियों ने मेले में लिया प्रतिभाग, छात्रों को मिला रोजगार।